चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरविशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विराकाचरया जुहाव पोत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तवै वास्मि न जीवामि त्वया विना इति वेगैराधे तं नय मां चरणं यशोदा मैया के दाम बंधन का हम लोग वर्णन कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है इस जगत में पर जगत में जो भगवान को बांध सके, जिनका अंतर नहीं है, बाहर भी नहीं है, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, उसके भीतर में अब नहीं कोई, सबके बाहर में है। अखिल विश्व ब्रह्मांड चारों तरफ में है, कहां नहीं है, उनको कौन बांध सके? रस्सी भी होगी तो जगत की चीज, उनको कैसे बांधेगी? नहीं बांध सके। किंतु हो यशोदा मैया धन्य है, नंद बाबा धन्य है, जिसके प्रेम ने कृष्ण को ओखल से बांध दिया। भगवान लीलाएं करते हैं, उनकी दो स्थितियां होती हैं, एक मुग्ध और एक होता है सर्वज्ञ। मुग्धता और सर्वज्ञता अर्थात तो अज्ञानता जैसे बोध करने वाली जो मुग्धता है, कुछ नहीं जानते, अपने करवट नहीं फैल सकते, एक शरीर पर मच्छर पड़ रहा है उसको भी भगा नहीं सकते, इतने मुग्ध। और सर्वज्ञ साथ साथ में, दोनों एक साथ में रहेगी चीजें, ये भगवान का लक्षण। केवल मुग्धता ही नहीं, साथ साथ में सर्वज्ञता रहे। सीता जी को चोरी कर ले गया रावण, राम रो रहे हैं, बिलाप कर रहे हैं, थकते नहीं है बिलाप कर, आंखें नहीं सूखती, गोदावरी से हिरणे जो उनके प्यारी थी उनसे पूछ रहे हैं, लक्ष्मण से पूछ रहे हैं, जमीन से पूछ रहे, पंचवटी के वृक्ष से पूछ रहे, देखा कहीं, देखा कहीं। शंकर जी आए, बहुत दूर से उनको प्रणाम किया, चारों तरफ से परिक्रमा करके, और उनको साष्टांग बार बार प्रणाम किया, प्रभु धन्य है ऐसी लीला कर रहे, किंतु हस्तक्षेप नहीं किया। सती जी ने पूछा कि किसको प्रणाम कर रहे? एक मनुष्य को जो कि ये नहीं जानता जी हमारी स्त्री का करहरण कर ले गया, रोता है, विलाप कर रहा है, उसके लिए तू रोता है, ये रोता है? ओ यदि शंका हो तो तुम समाधान कर लो, परीक्षा कर लो जो वही परब्रह्म है कि नहीं। और वो आगे बढ़ गए, एक वट के वृक्ष के नीचे बैठ गए, और सती जी ने सोचा जी कैसे परीक्षा करूं, यदि ऐसे ही कामी पुरुष होगा, साधारण मनुष्य होगा, तो यदि मैंने सीता का रूप यदि ठीक अभिकल जैसे उनसे ही सीता जैसा बना लूं,
तो दौड़ करके आए, यार हर सीते प्राण प्रिय साथे और हमको आलिंगन करने की चेष्टा करेगा, उस समय मैं रोक दूंगी और समझ जाऊंगी ये मनुष्य है। और यदि वो समझ गया तब तो समझे ये परब्रह्म। इसलिए सीता जी का अविकल रूप बनाया, जिस समय हरण के पहले का राम के साथ में उनका रूप था ठीक वैसा ही बहुत सुंदर रूप बनाया। और रामचंद्र जो विलाप करते हुए इधर उधर घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं पागल जैसे होकर रखे के, ये मुग्धता जैसे ये मुग्ध रहे हैं वैसे ही वो उनके सामने जाती हैं, किंतु उधर तब तक राम उधर से उधर चले जाते मानो देख नहीं रहे हैं। फिर इधर से उधर जाते हैं तो फिर उनके सामने शायद इस बार देखा नहीं, इस बार देखेंगे। तो दो चार बार करने के बाद में राम सामने आ गए, हाथ जोड़कर बोले मैया आप यहां पर कैसे, भोलेनाथ तो चले गए उधर में और आप यहां पर किस लिए खड़ी हैं। साष्टांग प्रणाम किया जो परब्रह्म है। उनकी कल्पना नहीं थी ये इस प्रकार से मुग्धता भी है और सर्वज्ञता जानने वाले हैं, इनकी धारणा नहीं थी। अभी कुछ संदेह रह गया था इसलिए उन्होंने क्या किया रामचंद्र जी ने, जब वो प्रणाम करके जब उठी तो देखा ये सीता जी और राम जी सर्वत्र, पेड़ जहां देख रही है पेड़ नहीं देख रही सीताराम, इधर में देखा सीताराम, उधर देखा सीताराम, उधर देखा सीताराम, इधर देखा सीताराम। मैं तो साधारण नहीं हूं, कैसी है माया की ईश्वरी है ना, शंकर जी की माया की ईश्वरी है, इनको महामहेश्वरी कहते हैं और इनको ही था न लगा उस पुरुष का राम का। अब फिर प्रणाम किया और जब ही प्रणाम करके उठते देखती है कि आज हर्षिते हर्षिते तुम्हारे बिना मेरे प्राण विकल हो रहे, तू कहां गई हमें छोड़कर। अब लज्जित होकर के गई शंकर जी के पास में, शंकर जी ने कहा परीक्षा कर ली मैं पेट भर गया, अजय आप तो मेरे गुरु तुल्य हैं, आपसे मैं क्या उनकी परीक्षा, मैंने कुछ नहीं। ओ शंकर जी ने देखा अरे ये तो हमसे झूठ भी बोल रही है, एक तो पहली बात इसने गलती किया अपराध किया, हमारी बात नहीं माना, मैं इसका गुरु हूँ पति भी हूँ गुरु, मेरी बात नहीं मानी, और दूसरी बात क्या हुआ झूठ बोल रही, अब उसको छिपाने के लिए झूठ भी बोल रही है, ओहो बड़ी गलती। और उन्होंने सीता जी का जो रूप धारण कर लिया एक बार भी जल शरीर से, उन्होंने कहा जी अब स्त्री का संबंध इस शरीर से नहीं रह सकता, इस शरीर तो मैया का और बेटा का संबंध रहेगा, क्योंकि क्यों सीता मैया का, सीता का रूप धारण कर लिया इसलिए अब मैया का संबंध नहीं रहेगा, मैया का संबंध रहेगा, पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। क्या क्या हो गया गड़बड़, तो बैठे अमैया का संबंध। और इतने में उन्होंने कहा आकाश से वाणी में हो कि आपने जो किया ऐसा संसार में कोई नहीं कर सकता। तो उनका माथा टनके जे क्या इन्होंने संकल्प कर लिया। अब उन्होंने पूछा बार बार, अब उन्होंने कहा नहीं, अब तो बड़े मौन हो गए। आश्रम में आए तब पता चला, उन्होंने सामने माँ का आसन दिया, पत्नी का आसन बाएं तरफ में नहीं दिया, वो समझ गए। तब कहा जैसे अब इस शरीर से हमें कोई जरूरत नहीं है, इस शरीर से संकर्ष की हमें पति पत्नी के रूप में नहीं सकते, इसलिए जाकर के अपने पिता के यज्ञ में आग में अपने शरीर को जोगाग्नि से, फिर हिमाचल के यहाँ बेटी के रूप में आई, तब फिर शंकर जी से शादी। बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी लंबी। गुरु से झूठ मत बोलो, हृदय को छिपाओ मत, उनको साधारण मनुष्य मत समझो, भगवान की तो बात अभी बहुत ऊंची है। एक साथ में मुग्ध हो करके लीलाएं करते हैं, अब दूसरी तरफ में क्या करते हैं, सर्वज्ञ भी है। जो सदा मैया ने उनको बांधा और सुबह सुबह करके रो रहे हैं, रुदन तंग मुहुर नेत्र जुगम करम भोज जुग में सातंक मोहर श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ तित ग्रीवं दामो धरम। और कृष्ण सुबह सुबह करके रो रहे, आंखों से लड़ी झड़ रही है,
काले, एकदम काले हो गए और ऐसे ऐसे आंख में। उसमें भी वो सर्वज्ञ है समझो, ब्रह्मा इत्यादि उनकी लीलाओं का था नहीं पाते। शंकर, शंकर जी अभी अस्तव करके गए, अभी बतलाया, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग भी नहीं समझ पाते हैं भगवान की लीला, हम आप क्या समझे। किंतु गोपियों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं, जैसे वो नचाती हैं ऐसे वो नचते, किस लिए? प्रेम पर, प्रेम पर अपने को बेच देते हैं, प्रेम से मिलते हैं अढ़ाई अक्षर और नहीं मिलते। तो कैसे उन्होंने बांधा, कैसे क्या हुआ, अब थोड़ा सा माधव महाराज जी का प्रस्ताव आप लोग श्रवण करें, थोड़े संक्षेप में 15 मिनट में बतला दीजिए, तब फिर मैं आगे श्री रामचंद्र जी की आज की कुछ कथाओं को, बड़ी अद्भुत है मनोरम है। स्तन पिला रही थी, माँ यशोदा के स्तन में इतना दूध है कृष्ण लाखों वर्ष तक पीते रहे समाप्त कभी भी नहीं होगा, और कृष्ण के अंदर इतनी भूख है, अनंत करोड़ ब्रह्मांड कृष्ण के पेट के अंदर है, ये उनका भूख भी कभी नहीं मिटेगा, न तो माँ यशोदा का स्तन का दूध कभी खत्म होगा न कृष्ण की भूख कभी मिटेगी। मैया यशोदा सामने चूल्हा में दूध उफनने के लिए दिया था, उसमें से ये छेना, ये रसगुल्ला, ये सब बनवाने के लिए दूध सोच रहा था, अहो मुझे तो सेवा का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि माँ यशोदा का स्तन में इतना दूध है, तो मेरा सेवा करने का मौका कहाँ है, इसलिए मुझे आग में जल मरना ही ठीक है। तो दूध उफन उफन करके गिरने लगे, माँ यशोदा देखा, माँ यशोदा ने सोचा, अहो मेरा स्तन के दूध से तो संदेश या मालाई या और कुछ राबड़ी तो नहीं बन सकता, तो माँ यशोदा कृष्ण को रख करके दूध को बचाने के लिए जाना चाहा। जब जाना चाहती हैं तो कृष्ण उनको पकड़ लिया, कैसे पकड़ा कृष्ण ने, जैसे बंदर का बच्चा बंदरी को पकड़ता है, पैर से माँ यशोदा कमर को लपेट लिया, दोनों हाथ से स्तन को, जीभ के द्वारा दांत के द्वारा स्तन को जबरदस्त करके पकड़ के रखा। मैं देखता हूँ मैया कैसे जाती है। जब कृष्ण केवल 6 दिन की उम्र, 6 दिन वाले उम्र वाले थे, उस समय पुतना आई, उनके भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल, उनके समान बल था, पुतना छोड़ छोड़ करके छुड़ा नहीं सकी। इधर माँ यशोदा, माँ यशोदा के अंदर इतना प्रेम है, केवल एक ही हाथ से ही बैठ नहीं पर उठा के जबरदस्ती बैठा दिया, और माँ यशोदा दूध में थोड़ा पानी दे करके उनका सांत्वना किया, तुम जल मरो मत, मैं तुम्हें सेवा का सुयोग दूंगी, तुम चिंता मत करो। और इधर कृष्ण का हो गया बहुत गुस्सा, अहो मैया मुझे अतृप्त अवस्था में छोड़ के चली गई, ठीक है मेरे लिए दूध है कि दूध के लिए मैं हूँ, मैया दूध को अधिक मानता दे रही है, ठीक है, और मुझे दोधी मंथन भी तो मेरे लिए ही है, ठीक, मैं एक शिक्षा देना चाहिए। तो क्या किया, दांत कड़मड़ा रहा है ऐसे, अब देखूंगा, उठाया दधी भंड को उलाटने के लिए, इतना वजन है उनको उलाट न सके, बराह रूप में पृथ्वी पर धारण कर लिया, कष्ट नहीं हुआ, दीर्घायु गोवर्धन के एक अंगुली पर उठा लिया, कष्ट नहीं हुआ, आज माँ का जो दधी भंड उनको उलाट नहीं पा रहे हैं, तो सोचे इसको छेद कर दूं, ऊपर मारना चाहा, ऊपर बहुत मोटा है कुछ नहीं कर सके, तो नीचे क्या किया, तो छोटा सा जो सिलबट्टा का नोड़ा होता है उससे छेद कर दिया, और दही बहुत जोर से फाउंटेन के भांति बहता जा रहा है, क्योंकि बिलोटे तो पतला हो गया था, कृष्ण को बहुत आनंद हुआ, अब ताली बजाने लगे, फिर उनको लगा भय, अरे
अब मैया आ जाए तो अब क्या होगा? अब लगा मैया का डर, अब भागे छिपने के लिए। जैसे चोर चुराता है, चुराने पर भी ऐसा कुछ निशान छूट जाता है ताकि खोपिया पुलिस आके तो पकड़ लेता है। कृष्ण जा तो रहा है छिपने के लिए, धुई तो पूरा फैल गया, कृष्ण का पैर का छाप जा रहा है, मानो माँ को बता रहा है मैया मैं इधर जा रहा हूँ, फुटप्रिंट बता रहा है। सामने देखा एक कमरे में सिका में मक्खन झूल रहा है और जीवा से पानी टपकने लगे। सोचा मैया तो आएगी जरूर, एक काम करूं। उस कमरे का दो दरवाजा था, एक तो उधर से आने के लिए, एक बाहर जाने के लिए। बाहर के दरवाजा को खोल दिया, खोल करके पास में वो खोल था, उस पर चढ़ करके मक्खन खाने लगे। जेहू खाना शुरू किया, इतने में बंदर और कौवे सब आ गए। कृष्ण उनको दे रहे हैं, वो लोग हाथ से झपट्टा मार खा रहे हैं। मैया जसोदा आकर के देखा, अरे लल्ला कहां गया, देख नहीं रहा हूं इधर। देख करके समझ गई, अहो आखिर मेरा पेट से तो जन्म लिया ना, कितना बुद्धि रख सकता है, मुझसे तो दमन कम ही होगा। पैर के छाप देख करके समझ गई कि उधर गया है। मैया जसोदा देखा झाक करके खुद खा रहा है, बंदरों को और कौओं को लुटा रहा है। हाथ में छोटी सी एक बेंत लिया, आगे की बात के आदमी छिप गया। इसमें आप लोग पूछ सकते हैं या पूछ सकती हैं, और समय तो अपने सखाओं को खिलाते थे, कौओं को और बंदरों को खिलाने की जरूरत क्या है? आप लोग अभी श्री गुरु जी से रामलीला सुन रहे थे या सुन रही थी, बंदर ने अपने जान दे करके रावण के साथ लड़ाई किया, उनको पछाड़ दिया, कितनी सेवा की। उस समय रामचंद्र जी उन लोग कुछ नहीं खिला सके, लोग कहीं युद्ध हो अपने सेना को गवर्नमेंट को उनको रसद देना पड़ता है। रामचंद्र जी हनुमान ये बंदर सेना को कुछ नहीं खिलाया, खुद युद्ध करते, खाने के लिए जंगल में जाकर के फल तोड़ के लाते। रामचंद्र के मन में इच्छा हुई, अब मेरे एक दिन ऐसा आएगा कि मैं उनको जी भर के खिलाऊंगा। वो राम अवतार के जितने सब सेना थी, वो बंदर लोग आ गए अब खाने के लिए, अब उनको मौका मिला, अब कृष्ण जी भर के उनको खिला रहे कि राम अवतार में खिला ना सके। जो कौवे हैं ये भी परम राम भक्त है, काकभूषण के वंशज हैं, इसलिए उनमें खिला रहे हैं। और मैया आकर के कीबाड़ में छिप गई। अब जब मैया छिपी, मैया सोची मैं थोड़ी देर धीरे धीरे जाकर उनको पकड़ लूंगी। जब मैया छिपी, अब कृष्ण इधर मुख करके लुटा रहे मक्खन, और बंदरों का कौवे का मुख इधर है। बंदर कोई माया को देख लिया, अब धीरे धीरे सरक रहे हैं। बात क्या है, मैंने खिला रहा हूं, भाग क्यों रहा है, जरूर उसकी दाल में काला होगा। कृष्ण ऐसे फेंक के देखा, मैया पकड़ने वाली थी, जब देखा मैया, ओ माय गॉड, मैया आ गई, कूद गए उखल से, कूद करके भागे। अब कृष्ण ने सोचा मैं राजमार्ग में भागूंगा, मैया तो घर की बहू है, कैसे जाएगी राजमार्ग में, जा नहीं सकती, तो मुझे मैया पकड़ नहीं सकती, बस और कोई बात नहीं, फिर पीछे में आ जाऊंगा। मैया जसोदा ने सोची, अहो सब तो बचाव में निकल गए, कोई तो है नहीं, अगर मैं राजमार्ग भी निकल जाऊं, कोई तो बड़े बड़े है नहीं, सब चले गए, आसानी से अपने बच्चे को पकड़ लूंगी। मैया दौड़ रही है कृष्ण के पीछे पीछे। कृष्ण छोटे बच्चे हैं, करीब 2.5 साल। कृष्ण देखा मैया अब पकड़ने वाली, तो जिग-जैग ऐसा दौड़ लेते हैं कृष्ण और भाग जाते हैं। मैया पकड़ नहीं पाती, मैया थक जाती है, मोटी सी है, और मैया के जूड़े में जो फूल था वो एक एक करके गिर रहा है, मानो फूल कह रहे हैं, मैया तू थकना मती, हम लोग तेरे साथ दौड़ रहे हैं, जरूर तेरे लाला को पकड़ना है, छोड़ना ही नहीं है। मैया थोड़ा दौड़ करके, देख कृष्ण तो यही मांगती हूँ, जो भी था कृष्ण ऐसे हो जाते हैं, फिर ऐसे करके देख और मैं जरूर, जब कृष्ण बंद किया मैया पकड़ लिया। पकड़ करके उनको पूछा, तू बंदर बंधु नटखट चोर है? उसने बताया, मैया मेरे वंश में कोई चोर नहीं है, वो तेरे वंश में ही होगा। तो माँ जसोदा के पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम था चोर घोष, ये कभी कृष्ण ने मैया से सुना था, तो बताया तेरे वंश में चोर है, मेरे मन पिताजी के वंश में कोई चोर नहीं है। तो मुझे देखो तो कैसा भीड़ है। तो मैया ने पूछा, अच्छा ये हाँडी किसने तोड़ा? कृष्ण बोल उत्तर दिया, जिसने बनाया उसने तोड़ा, और इसने स्वयं भगवान ने सब कुछ बनाया उसने तोड़ा, ये बताया। अच्छा तूने बनाया?
फिर बताया बंदर को कौवे का मक्खन किसने खिलाया, बोले जिसने बंदर को कौवे का बनाया उसने खिलाया। इधर कृष्ण अपने भगवत्ता का कुछ सूचना देना चाह रहे हैं, मैया जी का इतना प्रेम है वो कुछ उनके काम में नहीं जा रहा है, तुझे मारू नहीं मैया मत मार। फिर मैया ठीक है नहीं मारूंगी, तुझे बांध मैं घर ले जाकर बांध के रखूंगी। ये तू एक खल है दुष्ट है, ये खल है उखल, तू जो काम किया तुझे इसे मदद की है ते चुराने के लिए, ये दोनों ही समान दोषी है, कोई चुराता है और उनको कोई खून करता है, जो उसको प्रेरणा देता है उनको मदद करता है दोनों समान दोषी है। तूने चुराया, ये उखल में होता तो चढ़ ना सकता ना चुराता, इन दोनों के मैं एक साथ बांध के रखूंगी। ये कह करके अपने केस बांधने का रेशमी डोरी को निकाला, निकाल करके कृष्ण कमर में बांधना चाहा, देखा दो अंगुल कम हो गया। पास में गोपियां आ गई थी, उनकी सहेलियां, बोले जाओ रस्सी ले आ, एक एक रस्सी ला रही है सब। तो देख जसोदे इतने तेरे सुकुमार बच्चा है, पूरा अवस्था तेरा बच्चा हुआ, इसका कष्ट मत मत बांधना। बोले नहीं मैं बांध के ही रहूंगी, आज हो काल हो परसों हो बरसों हो मैं बांधूंगी ही बांधूंगी, डू और डाई करेंगे या मरेंगे बांधना ही है, नहीं तो इतना नटखट हो रहा है, अगर नहीं बांधू तो यह नटखट होगा कहीं चला जाए, जैसे मैं सोच रही है ऐसे तो गुस्सा में भरा हुआ है, अरे छोड़ दू अभी जंगल में चला जा सकता है, जमुना में कूद सकता है, अभी बांध के रख दूंगी मैं काम करूंगी, फिर थोड़ी देर बाद आ करके मैं अपने स्थान देकर शांत कर दूंगी, ये सोच करके मैया बांध रही है। एक के बाद एक रस्सी ला रही है सब लोग, सब समय दो उंगली कम हो रहा है, मैया से क्या बात है, क्यों कृष्ण मन में सोचा हो मैया मुझे न बांधे, मैया बांधेगी तो मैं खेलने जा नहीं जा सकता, गोचरण में नहीं जा सकता, तो क्या होगा इन सबों का। जब ही कृष्ण ने सोचा तब उनकी अघटन घटन पटी शक्ति आकर के उसमें प्रवेश कर गया, सबसे दो अंगुल कम है, एक अंगुल भी नहीं तीन अंगुल भी नहीं और नहीं केवल दो अंगुल। गोपिया कहिए देख जसोदे इनको बांधना नहीं, विधाता ने इनके ललाट में बंधन नहीं रखा, छोड़ दे तू। पर मैया सोच गई है अगर मैं नहीं बांधू तो मेरी सहेलियां हंसी उड़ाएगी ताली बजाएगी, देख तेरा बच्चा को अपने तू नहीं बांध सकी तू क्या कर सकती है, इसे मैया जसोदा को भी जीत है मैं बांधूंगी ही बांधूंगी। ऐसे भी साधु को भजन करने के लिए ऐसे उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए मैं करूंगा ही करूंगा, भगवान के प्रेम लाभ करूंगा ही करूंगा या करूंगी ही करूंगी, ऐसे होना चाहिए। इस समय प्रश्न हो सकता है दो अंगुल कम क्यों, एक अंगुल होता या तीन या अधिक होता, हमारे पूर्वाचार्य ने पूर्व गुरु वर्ग ने इनका उत्तर दे रखा है, क्यों भजन करने के लिए केवल अपने भजन के साधन कष्ट से नहीं होगा, साधन भजन भी करना पड़ेगा और भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना भी करना पड़ेगा, दो यदि एक साथ हो तभी बंधन में आएगा नहीं तो नहीं। ऐसे कोई भी कृष्ण को बंधन बांधना चाहते हैं अपने साधन भजन करना पड़ेगा और भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना भी, दोनों चाहिए, तब दोनों का पूर्ण रूप में संयोग होगा तभी बंधन संभव है। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया सिद्ध बंधने, मैया जसोदा सोचती अहो मैं अपने बच्चे को बांध नहीं सकती, मैं अपनी सहेलियों में समाज में मुंह कैसे दिखाऊंगी, अपने घर में ये ठाकुर जी थे उन्हें शरणागत हो गई, हे ठाकुर जी मेरा लाज रखना, जो ठाकुर जी शरणागत हुए तब कृष्ण समझ गए अहो मैया का बहुत कष्ट हो रहा है, तभी उनकी कृपा शक्ति आ गई और अघटन घटन पटीय शक्ति अंतर्धान हो गई, और जो जुड़ा बांधने का रस्सी मैया के पास पहले वो व्यवहार कर रही थी उसी से कृष्ण को बांध दिया और फिर उसी से कृष्ण पीछे में बांधा ताकि कृष्ण खोल न सके, सामने का खोल लेगा और पीछे से उखल के भी पीछे बांध दिया। अब इतने में कुछ सखा लोग आ गए, मैया ने बताया तुम लोग कहां से खेलो मैं जा रही हूं। अब तो कृष्ण का डर था, जब मैया अंदर चली गई अब सखा उनको चिढ़ाना शुरू किया, क्या करना अब कैसा मजा, और जगह तो चिढ़ाता था अब देखो क्या मजा है, कृष्ण कह रहे चलो अब हम बाहर खेलेंगे, तो उखल लेके जाए कैसे, इसमें मैं खींचता हूँ और तुम लोग ढकेलो, तुम खेलो और मैं खींचता हूँ, चलो खुलवाओ तो खुले, पहले जब मधु मंगल आए बोले मैं खोल देता हूँ, पहले खोलना कोशिश किया खोल नहीं सके, पिस्सी दाम सुदाम मधुमंगल एक एक करके आते हैं
नहीं साले तू हट, तुझसे नहीं होगा, मैं खुलूंगा। एक आते हैं कोशिश करता है फिर नहीं होता है, फिर दूसरा साले हट जा तू, तुझसे नहीं होगा, ऐसे करके आगे सब लोग करते, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कृष्ण के ये पांच प्रकार के प्रधान भक्त हैं, उनमें ब्रज में सखा माता पिता एवं गोपियां, सुख सुख रस से वात्सल रस अधिक ऊंचा है। सुख रस का बंधन, वात्सल रस का बंधन सुख वाले खोल नहीं सकते, इसलिए सखा लोग बहुत कोशिश करके भी उसको खोल नहीं सके। तब कृष्ण का चलो हम खींच रहे, तुम लोग ठहलो ठहलो, हम बाहर जाके खेलेंगे। अब कृष्ण खींच रहे हैं, ये सब लोग पीछे से ढकल रहे हैं। इतने दाऊ भैया आ गए, दाऊ भैया पूछा अरे किसने बांधा, कोई कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। दाऊ भैया इतना बिगड़ गए, कहीं भी हो मैं देख लूंगा। एक सखा ने बताया मैया ने बांधा, मैया जेहू मैया का नाम सुना तो पूरा शांत हो गए, ये पानी पानी हो गए, मैया ने बांधा। मैया का नाम सुनते ही बलदेव का जितना गुस्सा था सब उतर गया। अब जब आंगन में आए तो बहुत बड़े बड़े अर्जुन का पेड़ था। यह नारद ऋषि नलकुंवर और मणिकुटी को अभिशाप दिया था, उनके अभिशाप से ये लोग दोनों पेड़ बने हुए थे। ये बहुत लंबी कहानी है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। और कृष्ण जब खींच रहे थे उतने में हुआ क्या, हो उखल था ये ऐसे आड़े में अड़ गया उसमें, अब उसको जोर से खींचना पड़ेगा। ये कृष्ण जोर से खींचा, दोनों पेड़ दोनों तरफ जोर से उखड़ कर गिर पड़े, बहुत ज्यादा शब्द हुआ, बहुत तिमंडा साउंड हुआ, इतना जोर शब्द हुआ जो जहां थे सब लोग शब्द को सुनकर उस तरफ दौड़ पड़े। क्या हो गया, कोई असुर तो नहीं आ गया? सब लोग चिंता कर रहे हैं नंद वाला का क्या हुआ, सब लोग ये चिंता कर रहे हैं। आके देखा कि कृष्ण और बच्चे सब सुरक्षित हैं, नंद बाबा करके देखा, नंद बाबा धीरे धीरे उनको खोला, खोल करके कृष्ण का हाथ में लड्डू दिया। अब तक तो कृष्ण सखाओं के साथ हंस रहे थे, दिल लगी कर रहे थे, जब ही बाबा को देखा शीशक शीशक करके रोने लगे, जैसे कि दो बच्चा में लड़ाई हो जाए तो लोग फिर आपस में खेलने लग जाएंगे, और माता पिता आ जाए तो माता पिता देख करके जो हार गए बच्चा वो उधर रोने लगता है ताकि मैया बाबा का सहानुभूति मिले। ऐसे ही कृष्ण पहले तो हंस रहे थे खेल रहे थे, अब बाबा को देख करके अब शीशक से रोने लगे। बाबा को गोदी में उठा करके लड्डू दिया, तो किसने बांधा, मैं उनको मारूंगा। कृष्ण किसी तरह से नहीं बोल रहे, बोलो किसने बांधा। कृष्ण चुप से कान में बोला मैया। अच्छा तेरी मैया इतना निष्ठुर हो गई है, पहले ऐसे कभी नहीं थी, ऐसे कैसे हो गया, हाथ मारो। तो हाथ उठा लिया, नहीं कृष्ण हाथ का पकड़ लिया, मैया है भी नहीं, मैया के प्रति कृष्ण कितना ममता है, कितनी ममता ही दिखा रहे हैं इसमें। फिर बलदेव प्रभु को और कृष्ण को दोनों को लेकर के नंदबाब गोशाला में गए, डायरेक्ट दूध से गायों को थन से दूध देकर मुख में दिया और मिश्री दिया, भर पेट खिला दिया, और खिला करके और जमुना जी के पास में जो ब्रह्मांड घाट है दोनों को स्नान करा करके ले आए घर में आए। और बाबा नंद बाबा बहुत गंभीर हो गए और किससे कुछ बोल नहीं रहे हैं। और कृष्ण और बलदेव दोनों बाबा के पास है, और जो नंद बाबा के बड़े भाई और लोग थे उपानंद अभिनंद सुनंद नंदन और उनकी पत्नियां तुंगी पिबरी कुबला उतला सब लोग घर में आ गए। रहिनी मैया और उपानंद की स्त्री तुंगी लोग पूछ रहे हैं कृष्ण से, कृष्ण तू आ जा इधर आ जा मैया के पास। तब मैं नहीं जाऊंगा माँ के पास, मैया के पास नहीं आएगा। तो किसके साथ सोओगे, बाबा के साथ खेलोगे, किसके साथ, दाऊ भैया के साथ, खाओगे क्या, क्यों बाबा थरस में दूध देगा और मिश्र खा लेंगे, मैया के पास नहीं जाएगा। नहीं तो उपान तुंगी और रही मैंने बलदेव को बताया जा कन्हा को पकड़ के ला। बलदेव को गए जाके ऐसे पकड़ा, इसने ऐसे उनको झप ये किया फेंक दिया दाव पैच में, बलदेव कहीं जाके गिर पड़े। बड़े उठ करके से देख रहे हैं अरे और दिन तो मैं इनको ये करती क्या हो गया, इसके इतना बल कहां से आ गया। फिर कृष्ण आए नहीं, फिर उपानंद की स्त्री ने बताया
कहना तू नहीं आएगा अगर तेरी माँ ऐसी हो जाए तो जैसे राम हो जाए तो और कृष्ण को रोने लगे जेहू मैया जैसे राम हो जाए ये सुना कृष्ण का दिल इतना पिघल गया वो सहन न कर सके जब कृष्ण रोने लगे रहिनी मैया उनको लेकर के जसोदा माँ की गोदी में दे दिया जसोदा माँ तब तक चुपचाप थी लकड़ी सी बनी हुई थी आंख से आंसू भी सूख गया था नहीं आ रहा था जेहू कृष्ण गोदी में मिला अब टकर टकर करके रोने लगी मैया जसोदा आज दिन भर आज भी रसोई नहीं बनी और कुछ कोई खाए पिए भी नहीं तुरंत रहिनी माँ को जा करके कुछ थोड़ा सा बना दिया बना करके कृष्ण को बना करके दिया नंद बाबा कुछ कृष्ण को खिलाया बलदेव को खिलाया खुद खाए अब जसोदा माँ को बुला रहे नंद बाबा आने के लिए कृष्ण को जा रहे माँ को पकड़ के ला मैया जसोदा श्रम के मारे नहीं आ रही है मैं कैसे जाऊं नंद बाबा के पास सोच रही है नंद बाबा नहीं जब तक नहीं आगे मैं भी नहीं खाऊंगा कृष्ण भागकर मैया का कपड़ा पकड़ खींच रहा है बाबा के पास लाने के लिए जसोदा ने बताया बोलो तुम्हारे पिताजी खा ले मैं पीछे आके खा लूंगी नंद बाबा कुछ खाए फिर बाद में जसोदा माँ सब लोग खाए ऐसे ही ब्रज में कृष्ण के प्रेम में जब कमी होती है प्रेम में कमी होने के कारण तब ऐसे बीच बीच में जसोदा कृष्णचंद्र जोग माया के प्रभाव से प्रेम को रिन्यूअल कराते हैं ऐसे ही ब्रज में ऐसे चलता रहता है ऐसे बहुत से लीला अब आप लोग श्रीमुख से और इसके विषय में अधिक श्रवण करेंगे हरे कृष्ण पंचा कल्पत रूपस्थ कृपा सिंधु भय वच पतितानं पावन भूः वैष्णवे एतेद्रिक स्वाल्लिलाभि आनंद गुण सघ समनिमज्जन्तम् आख्या कृष्ण मुग्ध और छोटे से बच्चे नंगे अभी हैं और सारे ब्रज को अपनी मधुर मधुर लीलाओं में डुबा रहे हैं कभी एक गोपी आती कहती है कृष्ण बलवान है दूसरी कहती है जे नहीं बलराम बलवान है अच्छा एक लड्डू देंगे जो जीतेगा उसको देंगे और दोनों भिड़ जाते हैं और परस्पर लड़ते हैं कभी कृष्ण कहते हैं तू जरा गान करो तो एक लड्डू देंगे और वो ताल ऐसे करके और नृत्य करके बड़े सुंदर स्वर से गाते हैं गायन करते हैं जैसे बच्चे अढ़ाई वर्ष पौने तीन वर्ष तक रहे गोकुल में जब देखा जी ऐसे ही पेड़ टूट रहा है और सब उतना और दूसरे सब आ रहे हैं तो विचार किया जी यहीं नहीं रहना चाहिए यहाँ पर विघ्न हो रहा है तो फिर सब लोगों ने परामर्श किया बैठक हुई वहां पर ब्रज में बहुत जगह बैठान गांव है बैठक माने वहां पर बैठक होती थी विचार होता जय कृष्ण के लिए हम क्या करें तो अंत में विचार हुआ जी इस स्थान को छोड़कर अब गायों को चरने के लिए घास भी नहीं है और विघ्न भी हो रहा है इसलिए छोड़ करके वृंदावन में जाए तो वो लोग वृंदावन में चले गए छठी करा में वो जहां पर वृंदावन आज है वो रासस्थली है वहां रास होता था जमुना के किनारे और कृष्ण के पिता इत्यादि छठी करा में वहां से करीब करीब एक दो मील दूर है वहां पर रहते थे इस तरह से कृष्ण की लीलाएं हुई संक्षेप में और थोड़ा सा मैं श्री रामचंद्र जी के संबंध में मैं बताऊं ये कथाएं सब शंकर जी से आई हैं राम की जितनी भी लीलाएं हैं उसके मूल कौन है शंकर जी हैं तो वो सब कथाएं पार्वती जी से बोले या गरुड़ जी को कुछ मोह हो गया था उस समय में ब्रह्मा जी ने शंकर जी ने गरुड़ जी को काकभूषुंडी के यहां पर भेजा वो परम भक्त हैं उनसे तुमको ज्ञान मिलेगा और अभिमान भी दूर होगा क्योंकि काक वो पक्षी है साधारण गरुड़ पक्षियों के राजा हैं और भगवान के परिकर भी हैं यदि कहीं गुरु के विषय में संदेह हो गया
यदि भगवान के विषय में संदेह तुम्हें हो गया फिर रक्षा नहीं है, बड़ा भारी कठिन। इसलिए यदि सचमुच में प्योर गुरु हो, बहुत उन्नत सदगुरु हो और भगवान हो, दोनों को बराबर समझना चाहिए। कभी किसी विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। जैसे अभी संदेह बतलाया था शंकर जी के पार्वती जी को, वैसे संदेह नहीं होना चाहिए। संदेहात्मा उसका विनाश हो जाता है, परमार्थ रास्ते सदा के लिए दूर हो जाता है। तो उन्हीं की कथाओं में से हम एक विषय समझा रहे हैं। यो तो रामलीला सर्वत्र आनंद ही आनंद है, अमृत ही अमृत है, किंतु रामचंद्र जी का चरित्र अद्भुत है, अद्भुत चरित्र। किंतु यदि उनके और परिकर सीता जी, हनुमान जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, विभीषण जी, ये सब नहीं आते, योगदान नहीं करते, तो उनकी लीला पूरा नहीं होती। स्त्रियों में दो चरित्र हैं, एक सीता जी का चरित्र है और एक है कैकेयी का। कोई भी मनुष्य हमारे भारतवर्ष में अपनी लड़की का नाम कैकेयी नहीं रखता है। रखता है, हमने तो आज तक नहीं सुना ये कोई कैकेयी रखता। तो अभिशाप नहीं, कुछ लोगों की धारणा ही ऐसी है, कैकेयी और मंथरा दोनों भगवान की विरोधी थी, इसलिए कैकेयी का नाम किसी संतान का न रखा जाए, और लोग घृणा करते हैं। किंतु बात कुछ उल्टी है। मैं जब विचार करके देखता हूं, शास्त्रकारों ने विचार किया, रामचरित्र का मूल पात्र कैकेयी है। कैकेयी नहीं होती तो ये राम का राज्याभिषेक बंद नहीं होता, राम का वनगमन नहीं होता, सीता हरण नहीं होता, जटायु मरण नहीं होता, लंका रावण नहीं होता, सब कुछ ऐसा ही रह जाता है, सब कुछ कुछ भी नहीं होता। कैकेयी कैकेयी देश की राजा की बड़ी सुंदरी और रूपवती गुणवती लड़की थी। कैकेयी देश, कैका देश मैंने कहा, ये पंजाब है ना, पंजाब के पास ही में कहीं उस पार में अफगानिस्तान या आसपास है कैका था देश। अब नाम सब बदल दिए गए हैं, पहले इसका नाम पंचाल था, यहाँ पर द्रुपद राजा थे, यहाँ पर पांच नदियां थी, ये पंजाब, वहां की लड़की थी ये द्रौपदी। तो ये कैकेयी नरेश की लड़की थी, पास ही में था कैकेयी देश। तो उस समय में एक दिन महाराज दशरथ जी शिकार खेलने के लिए गए और राज्य का कोई शासन ठीक देखने के लिए, जो कैसा चल रहा है नहीं, इसलिए गए। शाम हो गई और अयोध्या दूर देखा, जैसे अब रात हो गई, अब कहाँ जाएं? तो अपने मित्र हमारे हैं कैकेयी देश के राजा, उनके पास में मैं चला जाऊं, आज रात में रहूंगा, कल सवेरे चला जाऊंगा, ऐसा सोच करके कैकेयी नरेश के यहाँ पर गए, अतिथि हुए। महाराज ने इनका बड़ा आदर भाव किया, महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा थे इसलिए उनका बड़ा आदर किया, और अपनी बेटी जो उस समय 16 वर्ष की थी, युवा थी, बड़ी सुंदरी, रूपवती, गुणवती, सब कलाओं में निपुण, विशेष करके रसोई इत्यादि बनाने में वो बड़ी कला में निपुण थी, अपनी बेटी को आज महाराज दशरथ आए हैं, चक्रवर्ती महाराज हैं अयोध्या के कौशल देश, तुम आज इनकी सेवा करना, इनको किसी प्रकार के रहने की, खाने के, पीने की, बिछौने इत्यादि की किसी तरह की कोई कमी ना रहे। तो उन्होंने खाने पीने और सारी व्यवस्था कैकेयी ने। सवेरा हुआ, महाराज दशरथ सोच रहे बड़ी अच्छी लड़की है, रूपवती भी है, गुणी भी है। महाराज के पास में गए, आप तो मेरे मित्र हैं,
मैं अपने मन की बात आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये लड़की बड़ी सुंदरी है, विवाह के योग्य भी अब हो रही है, तो यदि आप अनुचित न समझें, उचित समझें, इस लड़की को हमको कन्या दान दे दे दें और इसको महारानी के रूप में मैं रखूंगा। राजा ने कहा ये संभव पर नहीं है। तो क्यों नहीं संभव है? मेरी प्रतिज्ञा ये है, इस लड़की के साथ में जो शादी करेगा उसका जो लड़का होगा वही राजा होगा, सम्राट बनेगा, ऐसा आप प्रतिज्ञा कीजिए। तो महाराज हंसने लगे, मुस्कुरा करके बोले, अरे महाराज ये तो परम सौभाग्य की मेरे लिए बात होगी, ये इससे कोई बेटा हो गया, हमने तो 360 रानियों से शादी की, किसी से भी लड़का नहीं हुआ, और यदि इससे लड़का हो गया तो अब क्या कहना, तो दूसरा तो लड़का है नहीं, ये तो अपने आप ही राजा बन जाएगा, इसमें क्या चिंता, तो आप फिर भी प्रतिज्ञा कीजिए। उन्होंने प्रतिज्ञा की, ये इसके गर्भ से बच्चा यदि होगा, पुत्र होगा, यही राज्य का मालिक होगा, इसी का राज्य पर अभिषेक किया जाएगा। फिर उन्होंने कन्यादान दिया, बड़े अच्छी तरह से शादी विवाह होकर के अयोध्या में ले आए। अब इसी बीच में एक दिन देवासुर संग्राम हुआ देवताओं और असुरों में। उस समय देवताओं ने इनको निमंत्रण किया, महाराज आपके बिना हम लोग इसको इन असुरों को हरा नहीं सकते हैं, इसलिए आप कृपा करके हमारी सहायता करें। तो ये गए सेनापति के पद पर, इनको उनको अभिषेक किया गया और युद्ध में भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में इनके रथ की धुरी टूट गई जिस पर पहिए रहते हैं। उस समय में ये लड़ रहे थे, जबकि धुरी टूटी तो चक्का नीचे आ गया, अब तो बैलेंस ठीक नहीं रहा, तो उस समय इनके हारने का डर था, इसने धुरी को ऊपर उठा दिया, कितनी बलवान लड़की भी थी, साधारण नहीं थी, उठा दिया और इसी बीच में उन्होंने उसको मार भगाया, इनकी जीत हो गई। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हो, तूने आज मेरी लाज रखी, हमारी जीत हुई, इसलिए मैं तुमको दो वर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा जा ठीक है, मैं आपकी पत्नी हूं, आपसे कुछ लेना तो चाहती नहीं, किंतु फिर भी आप यदि देना ही चाहते हैं, बार बार कहते हैं, तो ऐसा कीजिए, जब मुझे जरूरत होगी मैं ले लूंगी, आपके पास में अभी जमा रहे थाती के रूप में, जब मुझे जरूरत होगी ले लूंगी दो बार। तो वहां पर तो यहां तृप्त हो गया। अब वो लौटे, बाय चांस महाराज वो ऋषि थे श्रृंगी ऋषि, उन्होंने यज्ञ किया पुत्रेष्टि यज्ञ, और उसमें इन चारों को, तीनों रानियों से चार पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनमें क्रम हुआ, पहले राम आए और दूसरे क्षण में भरत जी आए, तीसरे क्षण में लक्ष्मण, चौथे क्षण में जमज रहे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उसका भी सब कारण है। बेटे हुए, अब तो बड़ी प्रसन्नता हुई, और वो सब बर्तन सभी लोग भूल चुके। अब कुछ दिनों के बाद में सीता जी से राम का विवाह हुआ, उर्मिला कृति लक्ष्मण से, उर्मिला और श्रुति कृति से, ये सब शादियां हो गई। जब लोग अयोध्या में आए, बड़े बधाव बजे, बड़ा आनंद हुआ, तो कई देश के महाराज ने कहा कि बड़ी सुंदर बात है, अब तो शादी उदी भी हो गई है, इसलिए भरत को ननिहाल में निमंत्रण किया, वो शत्रुघ्न को लेकर के वहां चले गए। और इसी बीच में सारी प्रजाएं महाराज दशरथ से निवेदन किया कि अब ये योग्य हो गया है, क्यों नहीं इसको राजकुमार दिया का पद दिया जाए। उन्होंने देखा जी ठीक है, राजकुमार का पद ही युवराज होता है, माने भावी राजा, और वही साफ कम करता है, राजा चुपचाप देखता है, केवल मोहर अभी राजा की ही लगती है, किंतु सभी काम देखभाल यही करता है। तो चलने लगा, तो फिर कुछ दिनों के बाद में रामचंद्र महाराज दशरथ को सब लोगों ने ऐसा कहा, अब आप वृद्धावस्था में आ गई है, आप कष्ट मत कीजिए, सब कुछ भार इन पर दे दीजिए, ये लोग करें, इसलिए रामचंद्र जी को जो राजपद दिया जाए।
बहुत प्रसन्न हुए प्रजाएं भी, ये भी वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी भी और भी बड़े प्रसन्न हुए। उनको ये दोनों बातें या मालूम नहीं थी, कौन जो पिता के पास में प्रतिज्ञा की थी और जो दुर्वर दिया था, और ये भी करी करी भूल ही चुके थे, और कई कई तो अपने बेटे की अपेक्षा राम को अधिक प्यार करती थी, अपने पास बुद्धि में रखती और बड़ी प्यार करती, अपने सोने का महल कनक भवन दे दिया था सीता के लिए, उसी में वो लोग रहते थे, अभी भी कनक भवन वहां पर है सब, तो बड़ी आदर करती थी। और जिस दिन राम को युवराज पद होने का ये घोषणा की गई, बैठाइए उनको अपने बंधु, बैठिए एक चेयर दीजिए डॉक्टर साहब, एक चेयर भाई दे दो, तो बैठिए, हाँ बैठिए आराम से। तो सब लोग भूल चुके थे, सब लोग भूल चुके हैं सभी लोग, तो वो कह कही राम, जबकि उनकी घोषणा की गई जो रामचंद्र जी को जो राजपद दिया जाएगा, सबको बड़ा आनंद हुआ, बधाइयां बजने लगी। और वशिष्ठ जी को कहा गया ये सारी अभिषेक की सामग्री प्रस्तुत करें, बड़े बड़े घोड़े वालों को और इधर उधर दूतों को भेजा गया, सात समुद्रों का पानी और जो दुर्लभ वस्तुएं हैं ये सबको संग्रह करने के लिए, जो कि यज्ञ अभिषेक करने के समय में किया जाता है, सभी लोग एकदम व्यस्त हो गए सारी रात लाने के लिए। जब सवेरा हुआ तो कैपई को जबकि पता लगा मंथरा से, तो उसने सबसे पहले अपने गले का जो सबसे बेशकीमती हार था उसके गले में डाल दिया, वो तुनक करके खड़ी हो गई, खूब जा बोली, अरे दुर्बुद्धि तुमको ज्ञान नहीं है, आज राजमाता जैसी तुम्हारा आदर है, अब राजमाता कल होगी कौशल्या, अब तुम उसकी दासी बनेगी, तुम्हारा बेटा बनेगा दास, राम बनेगा राजा, ये ज्ञान है तुमको? तो वो हंसने लगी, अरे तुम हमको क्यों सिखाती है, मैं राम को अधिक स्नेह करता हूं और राम ही को राजा होना उचित है, हमारे वंश की भी रीति ऐसी है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। फिर भी वो बोली, अरे मूर्ख तुमको तनिक भी ज्ञान नहीं है, कल क्या होने वाला है तुम नहीं समझ रही, जल्दी से किसी प्रकार से मान करके बैठ जाओ घर में और उनसे मांगो कि हमारा बेटा राजकुमार हो, राजगद्दी पर बैठे और हम वनवास के लिए जाएं। वनवास इसलिए मैं कह रही हूं कि इसका राज्य स्थिर 14 वर्षों में राज्य स्थिर हो जाएगा, फिर हम यदि लौटेंगे भी तो कोई कुछ नहीं कर सके, इसलिए समझाया, बहुत समझाने में भी लगा, किंतु इसी समय उनको याद आई, क्या याद आई, इन्होंने अच्छा एक बात और भूल गया, बचपन में राम एक दिन कैकेयी की गोद में खेल रहे थे, खेलते 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 छोटा सा बच्चा गंभीर हो गया, बोला मैया, पकड़ लिया उनकी ये, मैया तुमसे एक चीज चाहता, क्या चाहते दोगी ना मुझे, ऐसे टरकाने से नहीं होगा, मुझको देना पड़ेगा, तो तू क्या चाहता है, अरे पहले बतला दे, ये दे दूंगी तो दे दूंगी, ठीक है जैसा भी होगा, प्राण भी कहेगा तो तुम्हारे लिए दे दूंगा, ये देखो एक बात करना, असल में हम आए हैं देव कार्य के लिए, तो तुम लाड प्यार में कहीं वो काम भूल न जाओ और मैं भूल न जाऊं, इसलिए तुमसे मैं प्रार्थना करता हूं, भीख मांगता हूं कि तुम हमें एक भीख दो, क्या जब समय आएगा तो भरत को राजगद्दी देना पड़ेगा
और हमको वनवास के लिए मांगना। कहते ये तो मुझसे नहीं हो सकेगा, तो फिर तुमने भिक्षा किया थी, तो फिर मेरी कोई भी लीला नहीं होगी। जब बार बार कहने लगे तो सीता उन्होंने कहा तुम हमको विष खिलाना चाहता है, तो ठीक है तुमको यदि इसी में प्रसन्नता है तो मैं विष खा लूंगी तुम्हारे लिए। ये विष अभी यदि सारा जगत के लोग हमसे घृणा करेंगे तो मैं उसकी परवाह नहीं करती हूं, मैं करती हूं तुम्हारी केवल परवाह, तुम कैसे सुखी। भक्ति किसको कहते हैं इस पर विचार करके देखेंगे। पान फूल ये चढ़ा दिया ये भक्ति नहीं है, कदापि भक्ति नहीं। भक्ति क्या है? भरत जी को इसके आगे की कड़ी में आता है ये प्रभु, मैं आपको बतला देता हूं। राम लक्ष्मण जी चले गए जंगल में, वन में चित्रकूट में पहुंच गए। चित्र विचित्रकूट, जो कोई कामना मांगेंगे ना वो जरूर वहां पर हो जाएगी, जैसे गिरिराज गोवर्धन में होता है, कामतगिरी है, इसलिए उसका नाम कामतगिरी है चित्रकूट। बड़ा विचित्र, बड़ा सुंदर, बड़ा मनोहर है, चारों तरफ बाग बगीचे उसमें लगे हुए हैं। हम कितनी बार चित्रकूट गए हैं, एक दो बार नहीं। यहाँ पर राम और भरत का मिलन हुआ है, वहां पर पत्थर पिघल गया है, वो समुद्र की ढेव की भांति वहां पर हो गए। तो वहां पर रह रहे थे कुटी बना करके सीता जी लक्ष्मण और वो, और इधर भरत जी ननिहाल से आए, मैया से मिले। मैया ने कहा जी तेरे लिए ये सब किया। अरे मेरे लिए किया? महाराज दशरथ कहा, तो वो तो राम के विरह में समाप्त हो गए, तो तू विधवा भी हो गई। राम कहां गए? तो वन में गए। किस लिए? तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए हमने मांगा है। यदि तू स्त्री जाति की नहीं होती तो मैं आज तुम्हारा और कुब्जा दोनों का वध किया होता, किंतु होने के नाते राम हमारे ऊपर में बिगड़ जाएंगे, इसलिए मैं नहीं करता। किंतु आज से तुम्हारा और हमारा रिलेशन जो था संबंध मैया और बेटे का, मां और बेटे का, आज से संपूर्ण रूप से सोचो वो कट गया। तू मेरी मैया नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारा दशरथ की राजरानी है, बस इतना ही हमारा संबंध, तुम मेरी मैया नहीं रही, प्रतिज्ञा कर लिया। इसके बाद में वो महाराज वशिष्ठ को दूसरी रानी माताओं को लेकर के चित्रकूट के लिए यात्रा की, सारी सेनाओं के साथ में। सारी अयोध्यापुरी में कोई रहा नहीं, केवल दो चार बूढ़े आदमी रह गए और कुछ सैन्य सामंत रह गए उसकी रक्षा करने, बाकी सब चित्रकूट को चले। और वहां पर जब चित्रकूट के निकट में पहुंचे सारी सेनाओं को वहीं पर स्थगित कर दिया गया और ऊपर चढ़ने लगे। लक्ष्मण ने कहा जे आज भरत को मार करके रहूंगा, धनुष उठाया मारने के लिए। राम ने कहा जे जरा शांति तो रहो, आने तो दो उसको, पीछे अफसोस मत करना। भरत में इस पृथ्वी में भरत के समान कोई जन्म ग्रहण नहीं किया मेरी सेवा के लिए, ठहर जाओ। जब आए और उनको चरणों में गिरते हुए देखा तो रोने लगे, लक्ष्मण भी हमने भूल की थी। इसके बाद में भरत पहुंचे, रानियां भी पहुंची, वशिष्ठ जी पहुंचे, उधर जनकपुर से जनक महाराज जनक भी सुनैना के साथ में वहां पर पधारे। भरत मनाने के लिए जा रहे हैं, किसको? राम को। मनाने का क्या कारण? वो अयोध्या का राज्य वो राम को मिलेगा, उसमें भरत जी खुश हो गए। उनको यही खुशी है कि वो जंगल में न जाए और यहां आ जाए। वशिष्ठ जी से पूछा जे गुरु जी अब हमारे कुल के आप ही पतवार हैं, रक्षक हैं, पिता भी हैं, गुरु भी हैं, पुरोहित भी हैं, सभी हैं, राम आपकी बात की अवज्ञा नहीं कर सकता, इसलिए कृपा करके आप राम से कह दीजिए अयोध्या लौट जाए और राज्य ले ले। वशिष्ठ जी ने कहा मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, क्यों? मैं अनीति की बात कर रहा हूं? अनीति की तो बात नहीं कर रहे, किंतु फिर भी मैं नहीं कर सकता ऐसा, क्यों? इसलिए कि तुम यदि उसके बदले में तुम बन जाओ तो ना देखा जाएगा, तुम उसके बदले चले जाओ तो उसको कहोगे तुम रहो,
तो मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं ही बन जाऊंगा, उनको बन जाने के वो लौट जाए तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि वो भी तो दुर्नीति पर नहीं है, अपने पिता की आज्ञा मान करके मैया की आज्ञा पालन करने के लिए आ रहे हैं, धर्म के वो हिमालय हैं, स्थिर में इधर उधर नहीं टल सकते, इसलिए मैं नहीं कहता। कौशल्या जी के पास में गए, मैया तू एक बार कह दे, राम तुम्हारी आज्ञा का पालन अवश्य करेगा, वो जरूर लौट जाएगा। उन्होंने कहा मैं कैसे कह दूं, क्या वो असत पथ पर तो है नहीं, इन्हें मैं कैसे कहूं जो वो लौट जाए। उन्होंने भी मना कर दिया। संक्षेप में बतला रहा हूं। फिर सुनैना जी के पास में गए, मैया तुम्हारी बेटी भटक रही है बनो बनो में सुकुमार, और उसके पति के साथ में तुम महाराज जनक को कह दो, जो वो कह दें कि ये लौट जाए तो राम मान जाएगा उनकी बात। उन्होंने कहा अच्छा मैं अपने पति से कह करके देखूंगी, किंतु उनका विचार ही निराला है, क्या करेंगे, मैं कह नहीं सकती, किंतु ये डायरेक्ट मैं नहीं कह सकती जो वो कहें कि राम लौट जाए मनुष्य, किसी ने नहीं कहा। दूसरे दिन बड़ी विराट सभा बैठी चित्रकूट के घाट पर, अयोध्यावासी जितने थे एक तरफ में बैठे प्रजाएं, उसमें महारानियां तीनों बैठी, कह कई भी बैठी ने? और कौशल्या जी सुमित्रा जी बैठी, महर्षि वशिष्ठ जी ऋषियों के साथ में एक पंक्ति में बैठे, और उधर में रामचंद्र जी बैठे, लक्ष्मण जी बैठे, सीता जी कहां बैठी, अपने पिता और मैया के पास में बैठी। बड़ी सुंदर सभा हुई, देवताओं की सभा, और सब लोग यही देख रहे थे जैसे क्या होता है इसमें। वशिष्ठ जी ने कहा जी मेरी मति गड़बड़ हो गई है, मैं इसका निर्णय नहीं दे सकता, अच्छा हुआ जी महाराज जनक विदेह हैं, ज्ञान के अथाह भंडार हैं, इसलिए हम इनसे निवेदन करते हैं कि इस विषय में निर्णय दें। दोनों में चल रहा है, भरत कहता है जी राज्य लो, अयोध्या लौट चलो, और राम अभी लौटने के लिए राजी नहीं, इसमें उनको निर्णय देना है, मैं नहीं दे सकता। सब लोगों ने जब कहा जैसे हाँ हम लोग सब राजी हैं, ये जैसा निर्णय देंगे ये मान्य होगा सबको, तो राजा महाराज जनक जी ने अपने गुरु इष्टदेव को प्रणाम किया और राम से पूछा मेरा निर्णय मान्य होगा, जो मैं निर्णय दूंगा वह तो सर्वथा मान्य होगा, आप जो कहेंगे वही मानूंगा, इधर इधर उधर नहीं जाऊंगा। भरत से पूछा भरत जो मैं निर्णय दूंगा मान्य होगा, तो आप ही हमारे गुरु पिता सभी कुछ हैं, आप जो निर्णय दे देंगे जरूर मान लूंगा, तनिक भी ननू नचू कुछ भी नहीं करूंगा। जब चारों तरफ से पक्का हो गया, मोहर लगा दी, तो उन्होंने कहा जे भरत तेरे प्रेम की विजय हुई, तेरे प्रेम की विजय हुई। अथाह समुद्र, अथाह लंबा चौड़ा हिमालय है, कितना 7 मील से भी ऊंचा, वो अपने उसे भटक नहीं सकता, हिल नहीं सकता है, वो प्रशांत महासागर में उसमें डूब जाएगा। प्रशांत महासागर भी 8-9-10 मील है नीचा, उसमें डूब जाएगा, किंतु डूबने पर भी दस से मस नहीं होगा। ऐसे रामचंद्र जी का धर्म का विचार है, परम धार्मिक हैं, वो अपने धर्म से टस मस नहीं, किंतु प्रेम रीति फीति कुछ नहीं जानता, प्रेम की अपनी ही कुछ रीति होती है, उसमें मर्यादा डूब जाता है, किंतु डूबने पर भी वो मर्यादा ऐसा है जो बहेगा नहीं, वो इधर उधर हिलेगा नहीं। तात्पर्य क्या, प्रेम में मर्यादा नहीं रहती है, लौकिक सब टूट जाता है। जैसे कृष्ण के प्रेम में देखो कैसा है, प्रेम में
कृष्ण पति होकर के भी सर्वस्व होकर के प्रियतम होकर के राधा जी के चरणों में, और राधा जी पैर उठा करके अपने पैरों की महावर का छाप उनके सिर पर दे रही हैं। प्रेम में ऐसी ही रीति नहीं होती है। प्रेम में राधिका जी को देखो, जो जो व्यवहार करती है ये संभव नहीं है दूसरों के लिए, वो प्रेम है। झूठे लबार चोर सब कुछ कह देती है, कुछ बाकी रखती है। अपने पति को कहना चाहिए प्रियतम को, किंतु कहती है ना, तुम ब्रज के लंपट शिरोमणि हो, बाहर भीतर काले हो, सब कुछ कह देती है। मैं जानती तो तुमसे कभी प्रेम नहीं करती। तो ये प्रेम ऐसा होता है, मर्यादा इत्यादि सबको डुबा देगा। किंतु राम का जो धर्म है वो कैसा है, हिमालय के समान डूब तो जाएगा, तस्य मस नहीं होगा। इसलिए भरत की जीत हुई। किंतु एक प्रेम की भी रीति होती है। प्रेम की रीति क्या, तुम्हारे इष्ट देव को कि क्या भीतर से इच्छा है ये जानो और वैसा करो। अभी तक तुम ये सोच रहे थे जब हम लौट जाएंगे तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी होगी, मुझे बड़ा सुखदायी आनंददायक होगा, मैं उनके चरणों को पलटूंगा और उनकी सेवा करूंगा, ये तो तुम्हारी इच्छा। किंतु उनकी इच्छा को समझो, जो वो क्या चाहते हैं, ये प्रेम है। अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माध्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति। भक्ति में सारी अभिलाषाओं को, अपनी लौकिक पारलौकिक सब इच्छाओं को छोड़ देना होता है, कोई भी अपनी इच्छा नहीं रहेगी, ज्ञान और कर्म के अधीन नहीं रहना होगा, निरंतर उनकी सेवा में ही रहना पड़ेगा। राम ने कहा लक्ष्मण सीता जी को वनवास दे आओ, क्या किया उन्होंने, किया कि नहीं, अपनी इच्छा को छोड़ करके सीता जी को वनवास ले गए। अच्छा ये अशोक वाटिका से लौट करके आई, राम ने कहा बहुत अच्छा है तुम आई, अब तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ, मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करता। रावण के घर में रह करके और विदूषित तुम कलंकित नहीं हुई, मैं विश्वास अभी नहीं करता, मुझको विश्वास हो जाएगा तब। तो पहले कहीं नहीं कर दिया, हमारे लिए युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता आपको थी नहीं, अब जरा मुखर हो गई, पहले क्यों नहीं कहा, तब उसी समय में हम अपना प्राण प्रत्याग कर देते। अच्छा लक्ष्मण बेटे तुम जरा चिता लगाओ, और उन्होंने चिता बनाया। राम के इधर देखते हैं, राम तो एकदम गंभीर होकर के बैठे हैं, क्या करना है, प्रभु एक साथ में 5-7 काम करते हैं, सीता जी को अग्नि में जो चुरा करके रखा था उसमें से बाहर करना है ना, भगवती को रावण नहीं छू सकता कभी नहीं, इसलिए चलाकी से लोगों को मालूम न हो और काम हो जाए, बस अग्नि से निकालना था। तो लक्ष्मण को जब जब कोई ऐसा काम हुआ जो उनके रुचकर नहीं है किंतु आदेश दिया, तो राम के आदेश को उन्होंने पालन किया। इसलिए कहा अब हम छोटे भैया होकर के आपके नहीं आएंगे, कभी बड़े भैया होकर के आएंगे। इसलिए दाऊ जी या कौन होकर के नित्यानंद बड़े भाई, छोटे भाई नहीं, आप कहेंगे जैसे इनको वनवास दो, ये मैं नहीं करूंगा, इस जन्म में जो कुछ कर लिया। तो ये भक्ति का ये एक है, अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ करके अपने इष्ट देव की इच्छा को पूर्ण करने के लिए तैयार रहो, तब तो ये भक्ति हो, नहीं तो भक्ति नहीं हुई। इसका नाम है भक्ति, इसका नाम है प्रेम। अपना सर्वस्व दे दो। प्रेम वह है जो प्रेम छूटने का कारण उपस्थित होने पर भी वो कमे नहीं और बढ़ जाए, ये प्रेम है। और प्रेम में लेना नहीं है, सर्वस्व दे देना है। यदि कुछ लेने की इच्छा हो तो मत प्रेम करो, मत करो। अश्लीष वापादरतां विनष्टु माम अदर्शनान मर्महतां करो तुवा यथा तथा विदधातु लंपटो
मत प्राणनाथ हस्ते। कोई गोपी कह रही है, अरे तू कैसी हठी है राधिका जी के लिए, कैसे एक आदमी से प्रेम कर दिया काले कल उठे से, जो तुम्हारे प्रेम का तनिक भी भरपाई नहीं करता, महत्व नहीं समझता, और तुमको दिखला दिखला करके दूसरों गोपियों के पास में जाता है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते जो उनको छोड़ दे सदा के लिए। भोरी भारी लड़की बनी हुई है तो वही कह रही, हमें हमारी परीक्षा मत करो, चाहे वो लाख स्त्रियों के पास में जाए, चाहे मेरा हृदय पीस दें, प्रेम से आलिंगन करके मुझे आनंद में प्रमत्त कर दें, मैं उसकी नहीं गिनती। मैं सब समय उसका सुख देखता हूं, अपने प्रियतम का, अपना कभी दुख मैंने विचार नहीं किया। यदि मेरे दुख देने में उनको आनंद है तो वो दुख ही मेरे लिए सुख है। नागर यदि किसी गोपी की इच्छा करते हैं तो मैं सबको छोड़ करके उसके पास जा करके हजारों वर्ष उसके घर में गुलामी करके उसे प्रसन्न करके उसके पास ले जाऊं, ये प्रेम है। भरत जी की आंखें खुली, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया जनक जी के, आज मेरी आंखें अपने खोल दी, अब तक मैं अपना देख रहा था आनंद, जयराम के वहां जाने से उत्सव आनंद होगा और सब लोग कहेंगे जी वाह भरत जी ने बहुत सेवा की और उनके चरणों को सेवा करके हमको बहुत आनंद होगा। आज समझा जी इसको भक्ति नहीं कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं, अपने इष्ट देव की इच्छा को पूर्ण करना। यह एक प्रसंग बसता और चीज बतलाऊं, आपने शंकर जी का नाम सुना है, ये बुद्धर के रूप में जन्म ग्रहण किया, क्यों? एक बार शंकर को कृष्ण ने बुलाया, आप मेरे प्रिय मित्र हैं, आपको एक काम करना है, जैसे आपको याद है ना समुद्र मंथन के समय में आपने 20 हजम किया था, नीलकंठेश्वर बन गए, उन्होंने 20 को पान कर लिया था, जगत की रक्षा कर ली भगवान विष्णु के कहने से, वैसे ही कुछ और काम आ गया है। क्या? कली काल में लोग हमारा भजन तो करते हैं किंतु सब समय देही देही देही, पुत्रम देही, चसो देही, धर्मम देही, भार्यां देही, पुत्रम देही, धनम सर्वम संपत्ति देही देही देही, इसलिए प्रभु को बड़ा तंग करते हैं। यदि आपके पास में कोई अतिथि आ जाए और सब समय कहे ये दो ये दो ये दो ये दो, तंग आ जाएगा। तो ऐसे लोग हमारे पास में प्रार्थना करते हैं किंतु क्या प्रार्थना करते हैं, धन संपत्ति बस यही, रुपए पैसे, ये शरीर संबंधी, किंतु नहीं जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीरी हूं, शरीर में आत्मा स्वरूप हूं, शरीर को समझ लिया, यही सबसे बड़ी कठिनाई है इस संसार, सबने अपने शरीर को समझ लिया जी मैं हूं। यदि उसके अंदर में आत्मा और परमात्मा को दर्शन करने रियलाइज कर ले कोई, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हम लोग आना इसीलिए है, आप लोग थोड़ा सा सोचे, बूढ़ा होना है मरना है, आपका पैसा आपको काम नहीं देगा, जहां पर है वहीं पर रह जाएगा। गीताश्रम में भी ऐसे वहां पर जो हुआ उसमें यही था विषय, कुछ नहीं जाएगा शरीर भी, जब नहीं जाएगा कमाया हुआ एक फार्दिंग भी कुछ भी जाएगा, एक पैसा अधेला भी जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। और ये रिलेटिव तुम्हारे साथ में जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा, फिर किस लिए इतना करता है, क्यों नहीं आत्मा को पहचानता है, गीता की बात स्मरण क्यों नहीं रखता, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, क्यों नहीं याद रखता। अब हम अपने फिर विषय पर आ रहे हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए भरत जी, अब मेरी गलती समझा, प्रभु के पास में गए, प्रभु आप क्या चाहते हैं अब बतलाइए, मुझे क्या करना चाहिए। राम बोले तो तुम्हारी तो विजय हो गई है,
और तुम्हारी जीत होने से तुम चाहता था जब मैं अयोध्या का राज ले लूं, तो मैंने अयोध्या का राज ग्रहण कर लिया, ठीक है, अयोध्या का मैं राजा हूं, मेरा अभिषेक भी हो गया, सब कुछ ठीक है, मैं मान लिया तुम्हारी बात, इसलिए तुम्हारी तो विजय है। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं राजा तब हो गया, किंतु पिता की बात भी रक्षा होनी चाहिए, इसलिए मैं इस राज्य को के लिए अपना प्रतिनिधि तुमको रखता हूं 14 वर्ष के लिए, हमारा प्रतिनिधि हो करके, और उस राज्य की रक्षा करो, मैं 14वें वर्ष में अवश्य 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 आ जाऊंगा। अब क्या बोलेंगे? बस उन्होंने कहा जी अच्छा, तब एक और विनती है, अपने प्रतिनिधि के रूप में आप अपनी पादुका दीजिए, खड़ा हूं, जूती नहीं, जूती नहीं, क्या पादुका, खड़ाऊ का व्यवहार होता है, अपनी पादुका दे, और मैं इसको प्रतिनिधि के रूप में वहां रहूंगा, और जैसे आप वन में रह रहे हैं वैसे वन में रहूंगा, जैसे आप वन में रहते हुए भी साधु संन्यासियों का जीवन बिता रहे हैं वैसे मैं बिताऊंगा, और जब एक दिन की यदि विलंब हो गया तो फिर आप मेरा मुख नहीं देखेंगे, मेरी जली हुई शरीर की राख देखेंगे, भस्म देखेंगे और कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं जरूर आऊंगा, अवश्य कह रहा हूं, इधर उधर तनिक भी नहीं होगा। उनकी खड़ाऊ ली, अयोध्या में प्रवेश नहीं किया क्योंकि राम तो राज से बाहर है, इसलिए नंदीग्राम में रहे, नंदीग्राम में गए और सबको कह दिया कि यहां पर जिसको जिसको न्याय की जरूरत है आएगा, राज्य वहीं रहेगा, कौशल्यम्मा इत्यादि सब रहेगी और वहीं पर रहेगा, सबको आदर यथाजुक्त दिया जाएगा, और मैं यहां पर रहूंगा, यहीं से फरमान जारी होगा, यहीं से राम की मैं सेवा करूंगा। नंदीग्राम में जैसे राम रहते थे वैसे ही जटाजूट लगाकर जंगल में वहां पर रहने लग गए। उनकी पत्नी कौन, भरत की उर्मिला मांडवी, मांडवी जी ने कहा हमारी एक प्रार्थना है, आप वहां जा रहे हैं, यदि राम और सीता रह करके सेवा कर सकते हैं, एक जगह रह सकते हैं, तो मैं आपकी सेवा करने के लिए वहां क्यों ना रहूं। उन्होंने कहा जी देखो मेरी सेवा तुमको करनी चाहिए, सेवा मैंने क्या, जैसे मैं चाहता हूं, मेरी सेवा की अपेक्षा इस समय कौशल्या को की सेवा अधिक आवश्यक है, इसलिए तुम मेरी सेवा करो। कौशल्या बड़ी दुखी है, उनका बेटा वन में है, बहू वन में है, इसलिए तुम उनकी सेवा करने से सब हो जाएगा, आखिर उनको मान लेना पड़ा, वहां पर चली गई उनकी सेवा करने के लिए। कैकई रही राजमहल में, बेटा मैया नहीं कहता, एक साथ में करोड़ों बिच्छू डंक मार रही है उनके हृदय में, सा नहीं जाती वो पीड़ा, बेटा घर में रहते हुए भी उससे बात न करे और मैया न करे, ये कैसी बात होगी, सोचो जिसको अपना अपने गर्भ से जन्म दिया, बहुत प्यारा जुगल हो, इसलिए बड़ी दुखी है। एक दिन किसी प्रकार से पालकी लेकर के नंदी गांव में पहुंची, और पहुंच करके पालकी उतारा, उन्होंने कहा जे भरत से मैं मिलना चाहता हूं, भरत से कहा, उन्होंने कहा जे महारानी को आदर पूर्वक लाओ। जब वो आई, महारानी जी आप बैठिए, कहिए क्या आवश्यकता है, हमको कह देती तो मुझको मैं चला जाता आपके पास में, तो बेटा अकेले में तुम्हारे बिना हमको ये राज्य राजमहल डंक मारता है, हाँ आपने ऐसा कुछ काम किया, डंक सहना पड़ेगा, डंक सहना पड़ेगा, एक बार तू मैया कह दे ये जीवन में नहीं हो सकता, नहीं होगा, जिनके प्रियन राम वैदेही तजे कोट बैरीशम चद्यप परम स्नेही, तजऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजऊ कंत प्रज्वलितन भय जग मंगल कारी। जो सीताराम के विरोधी हैं, जो राम कृष्ण और राधा जी के विरोधी हैं, उनको कोटि बैरी के समान में प्रत्याग करो, चाहे कोई अपना बंधु हो, गुरु हो, पिता हो, माता हो, भाई हो, पुत्र हो, भैया हो, बाप हो, कोई भी हो,
कोई भी बात नहीं, ये भक्ति का एक लक्षण है। बतला रहे हैं कौन? तुलसीदास जी मीराबाई को ये पत्र लिखा जब उसके रिलेटिव लोग उसका विरोध करने लगे, तो रामचंद्र जी ने, तुलसीदास जी ने पत्र लेकर के मीरा को ये सहारा दिया था, वैसे ही उन्होंने किया था। तो तेजव पिता पिता को त्याग कर दिया, किसने? प्रहलाद महाराज। तेजव पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण को प्रत्याग किया, किस लिए? सीता को दे दो, उसने एक लात मारा, इसलिए उन्होंने उसको प्रत्याग कर दिया। राम का विरोधी है, इसलिए पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, और भरत जी ने माता को, और गुरु को भी त्याग दो यदि भगवान का विरोधी है तो, मत देखो वो गुरु नहीं है, इसलिए त्याग कर दिया बलि महाराज ने शुक्राचार्य को, और गोपियों ने अपने पतियों को भी छोड़ दिया जो कृष्ण के विरोधी थे, उनको सबको प्रत्याग कर दिया। भय जगमंगलकारी, जगत में मंगल हुआ, ये सब शिक्षाएं सब लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए है। यदि कल्याण चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, यदि पति भगवत विरोधी और भक्त विरोधी, गुरु विरोधी है, उसे कोई भी संबंध मत रखो, इसमें कल्याण होगा, आत्मा का कल्याण होगा। तो भरत जी उसकी मैया बहुत देर तक रही, एक बार भी मां ने नहीं कहा। जब रामचंद्र, उस दिन की तो बात छोड़ दो, जब रामचंद्र जी लौटे अयोध्या में, राज्याभिषेक हुआ, अवश्य के बाद में 11,000 वर्ष बीतने को हैं, अब अंतिम समयों में कैकेयी एक दिन राम के पास गई, रोने लगी और बोली, बेटे तुम तो मुझे बेटे कहते, मैया कहते, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी कहते, किंतु भरत आज तक मैया नहीं कहा, मैं चाहती हूं कि एक बार भी अंततम मरते समय भी सुन जाऊं मैया कहा, और मेरी गोदी ठीक हो जाए, मैं उसी गोदी में प्यार से चुमू मुख, हमारा जीवन सार्थक, नहीं तो यही अरमान लेकर के मैं मरूंगी, बड़ी दुखी होकर। बेटा हमारी इस बात को तुम पूरा करो, तुम्हारे कहने से वो जरूर मानेगा। भरत जी को बुलाया राम ने बड़े प्यार से, ओ मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तुमने जैसे हमारी सेवा की, एक बात मैं चाहता हूं, यदि कहो तो मैं मांगू। तुमने कहा आज तक तो जीवन में कभी नहीं कहा, मैं तो अपने आप उनकी सेवा करता हूं, और ये आज करें जो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो कुछ चिंता आई और बोले, महारानी कैकेयी को मैया कहने के बदले आप जो कुछ कहे मैं मानने के लिए तैयार। मैया ने कहा, ये बड़ी हृदय विदारक ये लीलाएं हैं, उस जगत में ऐसा नहीं है, उस जगत में ऐसा नहीं, वहां पर सभी का बड़ा प्रेम है, ये तो कुछ देने के लिए उतरते हैं ऐसी लीला करके और फिर चले जाते हैं, जिसको सुन करके जगत के लोग कल्याण का हो जाए इन लीलाओं के श्रवण से ही। तो देखो भरत जी का चरित्र कैसा है, किंतु मैं कहता हूं इस भरत जी से हजारों गुना चरित्र ऊंचा है कैकेयी का, जिन्होंने विष का पाप प्याला पिया राम के लिए, इन लोगों ने विष के प्याले नहीं, इसलिए इनका चरित्र एक अद्भुत है, अद्भुत है। अब तो 8:30 से भी अधिक बज गया है, अब एक अमृतमयी कथा, कल सीता जी का चरित्र का कहूंगा, कैसा उनका अद्भुत चरित्र है, इनसे भी मार मांगती, जिसके प्रियतम पति ने जिसको ठुकरा दिया और उन्होंने पति को छोड़ा नहीं। आजकल तो बात बात के झगड़ों में डाइवोर्स, पत्नी का एक पैर एक चरण आगे रहता है। और देखो सीता जी का चरित्र, यदि कोई महिला हो तो सीता जी के समान, उनका आदर्श है सब प्रकार से। कुछ शिक्षाएं हमारे भारतीय आप लोग ग्रहण करेंगे राम के चरित्र से, भरत के चरित्र से, राज्य को गेंद की तरह उधर से उधर 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 उछाल रहे हैं, और थोड़े ही दिन के बाद में कौरव पांडवों का युद्ध हुआ राज्य के लिए, हम गेंद हमारा रहेगा तो हमारा रहेगा,
ये काल का भी कुछ प्रभाव है, आप लोग इसे शिक्षा लेंगे और कुछ आत्म तत्व का विवेचन करेंगे। मैं शरीर हूं यही तक नहीं, इसके अंदर में आत्मा है, परमात्मा है, सब जगत का सृजन करने वाला प्रभु है। थोड़ा सा उसको तो भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करो, तो भी वो किसी बहाने से तो कृपा करे, वो तो कृपा के लिए राह ढूंढता है, प्रणाम करे, हमारे धाम में जाए, गंगा जमुना का आदर करे, हरि कथा सुने, रामायण भागवत पढ़े, उसकी थोड़ी सी रुचि है जिस पर मैं कृपा की वर्षा करूं। ललायत है देने के लिए, किंतु हम लेना ही नहीं चाहते। तो आज समय हो गया, आज यहीं तक हम हरि कथा का विश्राम दे रहे हैं। कल का दिन है, कल सीता जी का चरित्र बहुत ही मार्मिक, उनका चरित्र हम सुनाएंगे, उनसे उनको पालन करेंगे और इस जीवन में भी पर जगत में भी। गौर प्रमाण Thus ends the class on the 22nd of May in the evening in Houston. Hare Krishna. लंपट शिरोमणि हो बाहर के